हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द किड्स आर। और आज की एपिसोड, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स ऑलवेज फन, एवरी एपिसोड इज़ स्पेशल, लेकिन आज की एपिसोड क्योंकि हमने आउटडोर शूट की है और आउटडोर शूट करने का मकसद ये है कि सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे ये इस चीज़ को प्रमोट करें कि हम आउटडोर्स जाके अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन का बहुत ख्याल रखें। द फिज़िकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अली रज़ा, आज क्या हम कर रहे हैं, हम इस पार्क में आए हैं क्योंकि मैं रोज़ बच्चों को लेकर आती हूँ जस्ट टू इनके अंदर स्टिमुलेट करना ये फिज़िकल मस्कुलर एक्टिविटी। तो आज जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो दैट इज़ आउटडोर राइडिंग अ बाइक। ओके जी अलीहा, तो ये सब करने का मकसद इसीलिए है, मेरा मोटिव ज़्यादातर यही रहता है कि तमाम पेरेंट्स को, इफ़ आई एम टॉकिंग टू, और अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो द रीज़न वाई आई टॉक इज़ एंड आई टेल यू दिस, कि अपने बच्चों को और सारे बच्चे स्क्रीन टाइम को कम करें। जी अली रज़ा, स्क्रीन टाइम अपना कम करें, टीवी कम देखें, निंटेंडो कम खेलें, अपने आईपैड्स और PS4 से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, एक्सबॉक्स से दूर रहें, और वॉक पे निकलें, फिज़िकल फिटनेस करें। जी अली रज़ा, ठीक है, तो हम आज यही कर रहे हैं बच्चों के साथ कि हम अपनी राइड, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे बस खुद जाके राइड करें बाइक और ये करें, नहीं, पेरेंट्स को खुद वो करके शो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उनके सामने करके दिखाना होगा, बिकॉज दे विल फॉलो व्हाट डू यू डू, नॉट व्हाट डू यू से। ओके, तो ज़्यादा इफेक्टिव वो है कि जो आप करके दिखाएंगे। जी अलीहा, आर यू ऑल लिसनिंग और यू गाइस स्लीपिंग? जी जी, तो अली रज़ा भी एक्साइटेड है और जाने वाले हैं हम राइड बाइक पे, बाइक राइड पे, और अली रज़ा इज एक्साइटिंग। तो सबसे पहले काम हमें बाइक राइड पे क्या करना है, वेयर हेलमेट। यस, हमें सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स करने हैं, वेयर योर हेलमेट बिफोर यू गो। सो अलीहा विल गो फॉर अ हेलमेट, ठीक है, तो मे बी आप इसे क्लोजली दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सेफ्टी हेलमेट को पुट ऑन करना है। सो आई विल ओपन दिस अप, अपना सबसे पहले लॉक खोलें। ओके, तो हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर यू आर राइडिंग, इधर यू आर राइडिंग अ मोटर बाइक और बाइस्किल या वट एवर, स्कूटर, स्कूटी, तो अली रज़ा आपने अपना हेलमेट पहनना है और इसको टाइट करना है, बिकॉज फॉर मेकिंग इट फॉर द रियल पर्पज। और अली रज़ा इज़ हियर एंड आई एम गोइंग टू फिक्स इट एंड मेक अ लिटल टाइटर टू अली रज़ा, और ताकि इनको ये सेफ्टी मेजर इनका रहे। आर यू ऑल सेट फॉर दैट? ओके अलीहा, यू ऑल सेट फॉर योर बाइक? तो अलीहा जाएंगी अपनी स्कूटी राइड पे और अली रज़ा जाएंगे अपनी बाइक राइड पे और मम्मी करेंगी इनको फॉलो। तो जस्ट कीप अ व्यू ऑन दैट। और फिर हमारे साथ और भी फ्रेंड्स हमें आज शामिल करेंगे जो कि अपना स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं और बाइक राइडिंग कर रहे हैं, बट वी हैव टू मेनटेन अ सोशल डिस्टेंस विद देम, और क्योंकि मेरे पास मास्क है, बट वेन वी आर राइडिंग अ बाइक तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम ये पहने, इट्स ऑप्शनल फॉर यू। सो फॉर राइडिंग अ बाइक मैं नहीं पहनूंगी, और पहले मैं पहनी हुई थी। सो अली हान अली रज़ा, लेट्स गो ऑन द राइड।
Okay, Ali, how was this? कैसा experience था आपका bike ride का? Excellent था. Loudly बताइए कैसा experience था आपका bike ride? Excellent. And how many laps you want to go all over the this whole park? Nine more. Okay, so he's very much high spirits. Kelly Raza, 10 laps of this park करेंगे of this oval. And so here you can where's your sister? So Alia is right here, and we'll go and check upon Aliha. Okay, how is she going? So Ali Raza, you go on, carry on. Be careful. Alia, how was your experience? You did one whole lap of this oval. How was your experience? Good. You look tired. Yes. Why are you tired? It's so lonely. Loudly, speak loudly. This is so. So what? It's so good, and you must be in high spirits. Ali Raza is going to have 9 more laps of the oval. Can you see Ali Raza right there? Can you show Ali Raza? He's right there on the oval. And he's doing a great job. और यहाँ हम अलीहा को भी हम प्रमोट करेंगे कि वो भी क्लिक करें. तो keep watching the whole episode. It's going to be real fun. हुसैन और हुसैन को देखिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि हुसैन भी जो है वो कर रहे हैं स्केटबोर्डिंग एंड आई मेड हिम पॉज एंड टू जस्ट शो यू गाइस कि ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. सो हुसैन इफ यू वुड पॉज फॉर अ मिनट एंड यू कैन टेल कि हाउ यू डूइंग. आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है स्केटबोर्डिंग का? स्केटबोर्डिंग मुझे बहुत ही मजा आ रहा है. बहुत ही खुश रहता हूँ जब जाता हूँ तो मुझे अच्छा रह रहा है आपका ये. तो आजकल आपका जो है ये आजकल आपकी एक्टिविटी ये है फिजिकली आप अपने आप को फिट इस तरीके से रख रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. और आप सारे बच्चों को और सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि आप कैसी एक्टिविटी करें जो कि आउटडोर हो? जी तो जो भी आपको पसंद आए बाहर का वो कर ले ताकि आपका लिमिट हो जाए जो अंदर तक जो डिवाइस पे रहता है. डिवाइस पे जो है आप समझ रहे हैं कि आप भी काफ़ी टाइम डिवाइस को देते हैं तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम करके इसकी तरफ ऑप्ट हो रहे हैं. जी ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. और स्केटबोर्डिंग व्हाई डिड यू चूज दिस वन ओनली? मुश्किल हॉबी से तो जब साइकिल कर लूँ तो फिर अच्छा होगा. अच्छा चलिए यानी आजकल आप प्रैक्टिस के अंदर हैं तो आपका कोई बड़ी स्केट बड़ी है? जी मेरे दोस्तों के साथ स्केटबोर्डिंग जाता हूं. दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि ये आप कर रहे हैं. तो आज कुछ आप हमें बताएंगे कैसे करते हैं स्केटबोर्डिंग? इसके लिए शूज प्रॉपर होने चाहिए? कैसे शू पहनने चाहिए? शूज तो अभी शूज जो भी ले सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक वाले होते हैं जो आपका पैर को सेफ रखते हैं. मेरे ख्याल से आपको फ्लैट्स लेने ऐसे ऐसे रनर्स लेने हैं कि जो नीचे से फ्लैट है यानी इधर से टर्न ना हो बल्कि इफ़ यू कैन सी स्ट्रेट हो. ठीक है तो फिर आप क्या करेंगे? आपने स्केटबोर्ड एंड वेयर डिड यू बाय द स्केट फ्रॉम? और ये एक शॉप थी ब्रॉडमेडोज में एक पास टाइप्स लोकल ओके एक शॉप थी वहाँ से आपने बाय किया. तो किसने आपको दिलाया? आपने खुद लिए कि मम्मी डैडी या भाइयों ने दिलाया? किसने दिलाया? मुझे आती है बर्थडे के लिए मिल गई थी. ओह बर्थडे इट वाज अ बर्थडे प्रेजेंट. ओके तो ये तो बहुत अच्छा हो गया हुसैन के लिए. तो हुसैन आप अपने सारे छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं आप उनको बताएंगे कि आप कैसे चलाते हैं और कैसे इसके अंदर हम कर सकें किस तरीके से चलाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस भी सीखना है तो फिर जो एक पैर रखते हैं दोनों दुखते पे ओके तो फिर जब तरीके से पैर रखते हैं हाँ जी तो फिर जब बैलेंस हो गए तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए बोर्ड के ऊपर तो फिर आपको पुश करने भी पड़ते हैं तो एक पैर आगे होता है और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तो मैं ट्राई करूं आप मुझे ट्राई करने का मौका देंगे तो पहले मैं राइट रेड ये रखूं जी बैलेंस फिर ओके सो दिस इज डिफिकल्ट मे बी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे और हम देखते हैं कि हुसैन हमें थोड़ा सा शो करके दिखाएंगे एंड व्हेन देन वी विल फॉलो विद अदर किड्स और फिर हम बाइक राइड करेंगे. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट हुसैन. ओह
1, 2, 3 stars. There you go. करने जा रहे हैं एक और गेम बच्चों के साथ, और इस पार्क में मतलब ये तो आपको खुद एक्टिव क्रिएट करना है कि आप बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ एक स्नेक गेम देखा, दैट वाज एक्चुअली ऑन द फ्लोर और यहाँ बनाया हुआ ही बच्चों के लिए। अब तो अगर बच्चे दे आर टायर्ड ऑफ राइडिंग एंड देन दे आर टायर्ड ऑफ डूइंग ऑल दिस मोर मस्कुलर थिंग्स, तो हम करने जा रहे हैं बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी देयर। एंड वी गॉट 3 किड्स इन हियर, अली, हाली, रज़ा और हादी, और हम करने जा रहे हैं वहाँ एक एक्टिविटी। सो कम ऑन, कीप वॉचिंग। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं गेम, और हमारे साथ कौन है? यू टेल, व्हाट्स योर नेम? अलीहा। लाउडली, अलीहा द गैलेक्सी। मैं हूँ हादी। हादी एंड मैं अली रजा। तो वहाँ देखिए बताइए, सो वी हैव अलीहा, अली रजा एंड हादी। और यहाँ अगर आप, इफ आई आस्क द कैमरामैन टू जस्ट शो दिस बोर्ड ऑल ओवर द प्लेस, कि जो स्नेक बोर्ड बना हुआ है, जो हम लूडो के बैक के ऊपर स्नेक होता है, तो ये गेम यहाँ बना हुआ है और हम बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं। वी डू नॉट हैव अ डाइस, लेकिन मेरे पास एक रैंडमली मेरे फ़ोन के ऊपर डिवाइस है जिसके अंदर हम डाइस रोल अप करेंगे और बच्चे विल गो ऑन ऑल टुगेदर। और फिर जी इसमें लैडर्स भी हैं, इफ़ यू कैन सी दीज आर द लैडर्स, और ये है। ओके, सो विद द लैडर वी हैव टू क्लाइंब अप एंड विद द स्नेक वी हैव टू यस स्लाइड डाउन। तो अब हम करने जा रहे हैं, आर यू ऑल रेडी? यस। अब हम करने जा रहे हैं अपना डाइस पे रोल ऑन करने जा रहे हैं। सो हियर वी गो, जस्ट अ मिनट, आई विल ब्रिंग द डाइस। सो द नंबर, ओके, फर्स्ट अलीहा, नंबर 2 हादी, एंड देन नंबर 3 इज Ali Raza. Okay, so the first number is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The next number is 6 again. 1, 2, 3, 5. Next number is 5. The next number is 2. 1, 2. Next is 6 again. अच्छा, आप लोगों की मतलब ये मैं दिखा दूँ फॉर बीइंग न्यूट्रल, दैट देयर इज़ अ नंबर गोइंग ऑन रोल अगेन एंड दिस इज़ हाउ द नंबर इज़ कमिंग, 6 and 5 एंड लाइक दैट। सो इट्स वेरी मच न्यूट्रल, आई एम नॉट मेकिंग इट बाय माय ओन। द नेक्स्ट नंबर इज 5 अगेन, नॉट अली रज़ा टर्न, 5। नेक्स्ट इज 3। नेक्स्ट इज 3। नेक्स्ट इज 5। We have 1 again. Ladder. Oh yes, Aliya is going on number 40 and they both are on 15 and 15. The next number is 1. The next number is 5. 5. Oh, okay, ladder is not there. The next number is 2. Aliha's turn. 1, 2. Okay, so the next number is 4. 1, 2. Next is 6. 1, 2. Next is 3. 1, 2, 3. Next number is 5. 1, 2, 3. Next is 1. Oh, great job, Hadi. You're on the highest peak. Next number is 3. It's you. 1, 2, 3, 4, 5. Next is 4. Next is 6. Wow. Oh, 6. They'll be getting so many 6. 1, 2, 3, 4, 5. Next is 6. 5 again. Oh, Aliya's on 71. Now we have 5 again. 1, 2, 3, 4, 5. Ali Raza, next is 2. Next is 5. Oh great, Aliha is on 76. Okay, next I'm rolling, it's 3.
59. Oh, Ali Reza is on 33. Next number is 2. Next number for Aliha is 3. 1. Oh, Ali Reza. Hadi. 5. Okay, so the next number is 5 again. Okay, so the next number for Aliha is 2. And we'll finish the game here. Or maza aaya aap logo ko? Come on, Ali Reza. That's good spirit. And it all depends upon the luck. There's always a winner in the program, in a game. And there's always, nobody's a loser. So everybody is a player. Either you are a winner or a player. Okay, so we'll not use the term loser. Nobody is a loser. Okay, you did your well, you did your best, or aap logo ne acha try kiya. Theek hai? So Aliha is the winner for today. Are you excited, Aliha? Yeah. And did you all enjoy this game? Yeah. Okay, that's great. Okay, so let's go for the bike ride again. Okay, are you all ready? Yes. Okay, that was a very low ready. Are you all ready? Yeah. That was a real, real ready. Okay. So okay, so this is the end of a session और अब हम बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा हम energy less हो चुके हैं. We did a lot of laps around the oval और it's almost time for maghrib, तो अब हम जाने वाले हैं. We'll be going back home और it was a very good session. हमने enjoy किया. We had a good all over session. And did you enjoy? Yes. Okay, so हमने करेंगे दोबारा और आप wait करते रहिएगा for another episode of the Kids Hour. Till then, bye. Bye. Come on. Psych.